अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारी जो सेकंड वीडियो है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था टेंस और उसकी टाइप्स को। आज हम उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो उसके अंदर जो मेजर टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पास्ट इनडेफिनेट। और इसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, बिकॉज पास्ट इनडेफिनेट के ऊपर कुछ टीचर्स का इख्तलाफ है कि इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें वक्त मालूम ही ना हो, जबकि इसमें पास्ट खुद ही बता रहा है कि वक्त मालूम है कि ये काम हो चुका हुआ है। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले इसमें टेंसेस की पहचान क्या होती है, आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप पास्ट डेफिनेट या सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो इसमें जो जुमले की पहचान होती है वो होती है था, थी, थे या अलिफ छोटी ये और बड़ी ये से, यानी जुमले के आहर पर ये अल्फाज आते हैं। इसकी आपको एक मिसाल देता हूं, आइए। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर इसमें मैं ता लगाना जो था और ती लगाना और यहां पर ते लगाना भूल गया था। तो यहाँ पहचान थी ता था, ती थी और ते थे। जैसे अब जुमला आपके सामने एक मिसाल लिखी है, अली स्कूल जाता था। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आए वो देखते हैं। यहाँ इसको बनाने का जो फॉर्मेट है वो ये होगा कि सब्जेक्ट आएगा, इसमें प्लस होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसे ट्रांसलेट किया गया तो अली वेंट टू स्कूल, अली सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, गो वेंट, और थर्ड होती है गॉन। तो ये वर्ब और ये टू स्कूल, तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम चलते हैं, अगर कोई टेंस नेगेटिव हो तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो हम जब बात करते हैं यहां पर नेगेटिव टेंस की, तो है अली स्कूल नहीं जाता था। जब अली स्कूल नहीं जाता था तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और यहां पर इसकी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अली सब्जेक्ट, डिड नॉट आप यूज करेंगे साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो स्कूल ना जा नहीं जाता, जाना जो है उसे हम कहते हैं गो, तो आप यहां पे गो लिखेंगे, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे अली डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसके बाद आता है इंटरोगेटिव, जिसमें आप सवालिया निशान होता है, उस टेंस को कैसे करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो यहां पर हमेशा क्या, अली स्कूल जाता था, तो क्या से हमेशा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इसको जो बनाने का फॉर्मेट होता है, डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और साथ ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप जैसे बनाना हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डिड, फिर सब्जेक्ट अली, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और फिर आएगा टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, जो कि टोटल पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में थी। कल इंशाल्लाह ताला हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही आपके लिए मजीद एफर्ट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।